स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल की मौजूदगी में मशीवर की जनसभा में मंच छीनने का मामला सामने आया है। बीडीसी वाइस चेयरमैन को ठिकाने लगाने की मुहिम को लेकर यह सारा विवाद उपजा है, लेकिन मंत्री ने बड़े सहज तरीके से अपने संबोधन में समा बांधते हुए मामले को शांत किया। दरअसल मशीवर की जनसभा में भाजपा के सभी नेता मंत्री के साथ मंच पर उपस्थित थे, जिसमें बीडीसी वाइस चेयरमैन लक्ष्मी ठाकुर, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन कुमारी शीला व किसान मोर्चा के जिला महासचिव व मशीवर पंचायत के प्रधान नरेंद्र ठाकुर भी शामिल थे। मंत्री ने जिन योजनाओं के लोकार्पण किए उसमें मंत्री के साथ मशीवर पंचायत के प्रधान नरेंद्र ठाकुर का नाम भी अंकित किया गया, लेकिन जौनाजी व मशीवर क्षेत्र से बीडीसी वाइस चेयरमैन लक्ष्मी ठाकुर का नाम उद्घाटन पट्टिका में कहीं नहीं था, जबकि वाइस चेयरमैन लक्ष्मी ठाकुर का नाम इन पट्टिकाओं में लगाया जाता तो मामला तुल नहीं पकड़ता। बीडीसी वाइस चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बीडीसी से कई योजनाएं स्वीकृत कराई है, लेकिन खेद का विषय है कि कुछ नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। इस पर पंडाल में उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने अपने संबोधन में मंच पर बैठे सभी नेताओं के नाम लिए और मामले को दूसरी ओर मोड़ दिया। सैजल ने सरकार की योजनाएं गिनवाई और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आम लोगों का हितैषी बताया। इसके बाद माहौल कहीं ना कहीं शांत हो गया। सोलन से आपका फैसला के लिए जिला ब्यूरो प्रमुख ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।